डियर स्टूडेंट्स, कैलकुलेटर ट्रिक्स एंड टेक्निक्स की प्लेलिस्ट में आज जो ट्रिक हम सीखने जा रहे हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो द ट्रिक इज़ हाउ कैन वी सॉल्व डेरिवेटिव्स बाय यूजिंग कैलकुलेटर। बहुत से स्टूडेंट्स को डेरिवेटिव सॉल्व करने में प्रॉब्लम होती है, या फिर ये कि अगर वो सॉल्व कर भी लेते हैं तो दे वांट टू नो कि आइदर उन्होंने सही सॉल्व किए भी हैं या नहीं, यानी वो अपना जो भी सॉल्यूशन उन्होंने किया होता है उसका आंसर वो चेक करना चाहते हैं। ठीक है, तो आज मैं आपको इस लेक्चर वीडियो में एक ऐसी ट्रिक सिखाने जा रही हूँ जिससे आप जो हैं वो डेरिवेटिव्स के अपने आंसर को वेरीफाई कर सकते हैं, प्लस आप अपने डेरिवेटिव्स को खुद से कैलकुलेटर के अंदर सॉल्व भी कर सकते हैं। तो चलिए लेक्चर वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो पसंद आए तो कमेंट ज़रूर करिएगा। कैलकुलेटर जो मैं यहाँ पे यूज़ करने जा रही हूँ उसका मॉडल है FX570ES+ कैशियो कैलकुलेटर। ठीक है, आपको क्वेश्चन नंबर 1 दिख रहा होगा यहाँ पे कि ये मेरा क्वेश्चन नंबर 1 है और इसका मुझे क्या करना है, डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले मैं अपने कैलकुलेटर को ऑन कर लेती हूँ। मुझे कैलकुलेटर के अंदर डेरिवेटिव के लिए ये शिफ्ट दबा के इस वाले बटन को प्रेस करना होगा। ठीक है, तो मेरे पास स्क्रीन पर कुछ इस तरीके का आ जाएगा। अब यहाँ पर मुझे अपने क्वेश्चन को फीड करना होगा, तो डी बाई डी एक्स तो मेरे पास ऑलरेडी लिख के दिया हुआ है, ब्रैकेट वाली जो चीज़ है वो खाली है और यहाँ पर एक्स की वैल्यू, तो यहाँ पर मैं लिख लेती हूँ एल्फ़ा दबा के एक्स स्क्वायर प्लस 1, यही मेरा क्वेश्चन है। ठीक है, और इतने पे एवेल्युएट करना है मुझे इसको 1 पे, तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू मैं क्या डाल दूँगी, 1। तो आप देखें यहाँ पे मेरे पास आंसर आ गया है 2। अगर आप इसको खुद से भी सॉल्व करें तो देखें एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आता है 2x प्लस 1 है, 1 कांस्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव क्या होता है, 0। ठीक है, जब आप इसके अंदर जिस वैल्यू के ऊपर आपको इवेलुएट करना है वैल्यू यहाँ पर लिखेंगे तो आपके पास आंसर यहाँ पे 2 ही आएगा, और देखिए कैलकुलेटर में भी आपके पास आंसर 2 ही आया है। ठीक है, अब ये तो वो क्वेश्चन हो गया कि जहाँ पे आपको ये इवेलुएट करने वाली वैल्यू दी गई हो। तो जितने भी अब ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जहाँ पे आपको इवेलुएट करने की वैल्यू दी जाएगी उसको आप यूं ही सॉल्व करेंगे, बट इन केस अगर आपके पास कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाता है जिसके अंदर आपको वैल्यू ही नहीं गिवन कि आपको इवेलुएट किस पे करना है, ठीक है, तो फिर आपने क्या करना है, फिर आपने कुछ ऐसे करना है कि पहले तो आप इसको खुद से सॉल्व कर लें। ठीक है, इसका जो डेरिवेटिव आएगा वो क्या आएगा, वो आएगा एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर प्लस 2x का डेरिवेटिव आएगा 2। ठीक है, अब आप क्या करें कि आप अपने कैलकुलेटर के अंदर इसको जो है ना लिख लीजिए। ठीक है, तो दोबारा से मैं अल्फा दबा के ये वाला बटन प्रेस करूँगी, सॉरी शिफ्ट दबा के ये वाला बटन प्रेस करूँगी। ठीक है, तो मेरे पास ये आ गया है। अब इसके अंदर मैं अपना क्वेश्चन पुट करूँगी जो कि है एक्स क्यूब, तो अल्फ़ा दबा के एक्स क्यूब, ठीक है, उसके बाद फिर प्लस 2x प्लस 4, ये मैंने अपना क्वेश्चन डाल दिया। अब आप यहाँ पे ना x की वैल्यू वैसे तो आपको इवेलुएट नहीं करनी, लेकिन आप यहाँ पे ख़ुद से 1 डाल दीजिए। ठीक है, तो 1 डालने पे आपके पास आंसर क्या आया है, 5 आया है। अब आप यहाँ पे क्या करें कि जो भी आपके पास एक्स वाई जिसके भी रिस्पेक्ट से डेरीवेट करना है उसकी जगह पर आप 1 लिख लें। ठीक है, तो 3 × 1 का स्क्वायर प्लस 2, तो देखिए आपके पास आंसर बाय कैलकुलेटर क्या आ रहा था, 5 आ रहा था, और यहाँ पे भी जब मैंने वैल्यू रखी तो क्या आंसर आया, मेरा 5 आंसर आया। तो लाइक दिस आप वेरीफाई कर सकते हैं कि आपने अपना क्वेश्चन सही सॉल्व किया है या नहीं किया। इसी तरह अगर मेरे पास कुछ इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो ये भी सब्स्टिट्यूट मैं आपको करके दिखा देती हूँ कि आप कैलकुलेटर के अंदर इसको कैसे कर सकते हैं। वैसे तो अगर आप इसको डायरेक्ट करेंगे खुद से तो इसको किस तरह से करेंगे, 3x⁵। ठीक है, तो उसका आंसर क्या आता है, 5x⁴। ठीक है, और इसको अगर मैं प्लस 4 अगर मैं इसको इस तरह से कर लूँ 4x⁻², ठीक है, इस तरह से कर लूँ तो देखें इसका पे डेरिवेटिव क्या आएगा, प्लस 4 एज इट इज़। x⁻²² का डेरिवेटिव क्या होता है, −2x⁻³, यही डेरिवेटिव आता है। ठीक है, तो अब अगर आप इसको करें तो ये 3 × 5 = 15x⁴ − 4 × 2 = 8/x³, ऐसे ही लिखा जाएगा ये। ठीक है, अब आप अगर इसको कैलकुलेटर के अंदर करना चाहें तो आप कैसे करेंगे, शिफ्ट दबा के आपने यही वाला बटन प्रेस किया। ठीक है, इसके अंदर अपने क्वेश्चन को पुट करें जो कि है 3 α दबा के आप लिखेंगे यहाँ पे एक्स, पावर है उसकी 5 + 4 / α दबा के एक्स, पावर है स्क्वायर, यानी कि ठीक है, तो आपने वैल्यू, और यहाँ पे आप अगेन अब क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, 1, तो 1 करने पे आपके पास जो आंसर आया वो क्या आएगा, आपके पास 7। ठीक है, अब यहाँ पे जो आपका आंसर आया है वहाँ जहाँ जहाँ एक्स है आप वहाँ पे 1 रख के देख लें, तो 15 × 1, आपको पता है 15 ही आएगा लेकिन मैं रख लेती हूँ। ठीक है, −8/ नीचे एक्स है तो उसकी जगह आप 1 लिखें,
ये देखिए आपके पास आंसर आ गया है 7। मीन्स के वैल्यू सब्सटीट्यूट करने से और कैलकुलेटर के अंदर 1 डालने से आपके पास दोनों तरह से आंसर क्या आया है, सेम आया है। तो इसका मतलब आपने अपने डेरिवेटिव को सही सॉल्व किया है, ठीक है। तो लाइक दिस हम अपने डेरिवेटिव्स के जो आंसर हैं उनको वेरीफाई कर सकते हैं स्टूडेंट्स, और अगर हमारे पास कोई इस तरीके का डेरिवेटिव आता है तो उसको हम डायरेक्टली जो है वो सॉल्व भी कर सकते हैं। होप ये लेक्चर वीडियो आपको पसंद आई होगी, इस लेक्चर वीडियो से आपकी हेल्प हुई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो कॉमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें।